हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी सेकंड ईयर का ऑप्टिक्स पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे। कल वाली क्लास में हमने थिक लेंस शुरू करा था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू थिक लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। कल मैंने इसका रिफ्रैक्शन आपको बताया था कि थिक लेंस सबसे पहले वो क्या है। तो कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो अभी शुरू से इसको कर रहे हैं, लेकिन कल से थोड़ा सा प्रिसाइज में बताऊंगी, ठीक है। तो थिक लेंस क्या है, ऐसा लेंस जिसमें देखो पहली बात तो लेंस इस टाइप से मिलके बना हुआ है, यानी कि ये वाली जो लेयर है ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है और ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है। तो इसकी भी कोई रेडियस होगी और इस वाले की भी कोई रेडियस होगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों रेडियस जो है उसके कंपैरिजन में लेंस के बीच की ये जो मोटाई है, ये वाली जो मोटाई है, ये इनके रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल और उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो ऐसे लेंसेज को बोलेंगे थिन लेंस। थिन लेंस मतलब पतले लेंस। अगर ऐसा ना हो, यानी कि ये जो मोटाई है वो बहुत ज्यादा हो, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उन लेंसेज को बोलेंगे थिक लेंस। थिक यानी कि मोटे लेंस। तो हम करेंगे किसी मोटे लेंस से अपवर्तन और उसके लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो कल हमने कर रखा था, तो ये मैंने कोई एक थिक लेंस ले लिया, मोटा लेंस, इसके बीच की यहाँ से लेके यहाँ तक मोटाई है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो ये थिक लेंस का काम करेगा। तो मैंने मान लिया कि ये इसका कोई प्रिंसिपल एक्सेस है। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, जो इनके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है। अब ये लेंस ऊपर कहीं मिलेगा, मोटा होता है इसीलिए यहाँ पे बनाया नहीं। इसको मैं नाम दे देती हूँ, इस वाले पॉइंट को M और इसको दे दिया M डैश। तो ये जो पहले वाली, इसको बोल दिया पहली रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, और ये है दूसरी स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, गोलिया वर्तना पृष्ठ। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने R1 ले दिया और इसका ले दिया R2, ठीक है। अगर ये कोई स्फीयर का पार्ट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होएगी, तो उस हिसाब से मैंने R1 और R2 रिज्यूम कर लिया। इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा बना ली क्योंकि इसका यूज होगा। तो देखो कल हमने क्या किया था, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो उस केस में हमने क्या रिज्यूम किया था कि मान लिया था कि कोई इन्फिनिटी से AB कोई रे आ रही है इस पहले वाली रिफ्रैक्टिंग सर्फेस पे, पहले वाली अपवर्तनांक सतह पे। अब जैसे ही आएगी तो मैंने यहाँ पे तो मान लिया μ1, लेंस के अंदर मैंने मीडियम कंसीडर कर लिया μ2, और फिर से लेंस के बाहर मैंने मान लिया μ1, ठीक है। अब जैसे ही वो यहाँ पे जाएगी, तो ये मैंने कल अच्छे से बता दिया था कि इस टाइप से अगर ये सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ से कोई रे आ रही है, तो इसका यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर सेंटर है तो इस तरीके से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो है, ये वाला मीडियम मैंने एयर लिया है, हवा लिया है। हवा कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, रेयर है। और ये जो लेंस के अंदर का मीडियम है वो सघन है, यानी कि डेंसर है। तो जब रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी, तो रेयरर से डेंसर की ओर जाने पे वो इस नॉर्मल की ओर बेंड होगी, तो वो कुछ इस तरीके से इसकी ओर बेंड हो जाएगी। इस वाले डायग्राम में मैं ये नॉर्मल शो नहीं करूंगी, बस सीधा बेंड हुई दिखाऊंगी। अब वो बेंड हुई इस टाइप से, इस वाली को थोड़ा सा मैं आगे बना रही हूँ। तो वो बेंड होकर के इस तरीके से इसके ऊपर आ गई। नॉर्मल शो नहीं कर रही हूँ मैं, बस सीधा बेंड ही दिखा रही हूँ। तो देखो जैसे ही बेंड होगी, अभी तो ये हमें पता है कि ये लेंस है, तो ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे पड़ी है। अगर ये ना पड़ी हो तो ये क्या करेगी, इस तरीके से डायरेक्ट इधर चली जाएगी, यहाँ पे मान लो इधर चली जाएगी। तो पहले वाले के लिए ये वाली सरफेस ना पड़ी हो तो हमें यहाँ पे क्या प्रतिबिंब मिल जाएगा, यानी कि MO पे क्या है, O पॉइंट पे इस वाले के लिए, फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज मिल जाएगी। लेकिन लेंस है तो मतलब ये एक दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पड़ी है। अगर दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पड़ी है वो कुछ इस तरीके से पड़ी है, और वो इस तरीके से पड़ी है तो इस टाइप से स्फीयर बनेगा, तो यहाँ पे कोई सेंटर होगा इसका। अगर यहाँ पे सेंटर है, इस तरीके से यहाँ पे रे पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, मैंने मान लिया यू एक सेंटर पड़ा।
तो देखो अभी वो किस मीडियम में जा रही है, म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, मतलब सघन से विरल में जा रही है। अगर सघन से विरल में जाती है तो रे का क्या हो जाता है, इस वाली की क्या अभिलंब है नॉर्मल, इस नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो दूर हटेगी तो कुछ इस टाइप से चली जाएगी। तो इस वाले में मैं सिर्फ दूर हटी हुई दिखा रही हूँ कि वो इस टाइप से चली थी। इसको मैंने नाम दे दिया एफ पॉइंट, ये एम डैश अंदर दिखा, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं नॉर्मल शो नहीं कर रही हूँ, बस मैंने डायरेक्ट बैंड हुई वाली रे दिखा दी। तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरीके से वो बैंड हुई। डायग्राम में भी आपको नॉर्मल शो नहीं करना है। तो देखो इस तरीके से, अब ये जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, हमें एक्चुअल में इमेज यहाँ मिल रही है एफ पॉइंट पे, हमें क्या मिल रही है, इमेज बनी हुई है। तो मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वास्तविक। तो जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके लिए ये जो ओ पॉइंट है जिसपे हमने क्या वर्चुअली मिलाई थी, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये वाली चीजें कल हमने कर ली थी। अभी फिर हमने क्या किया था, इस वाली लाइन को जो पीछे की ओर मिलाया था और इसको यूं आगे की ओर थोड़ा सा सही नहीं मिला, एक सेकंड, ये जैसे यहां पे मिल रहा है, ये अभी तो सेंटर में मिला नहीं है, पर ये वैसे बिल्कुल सेंटर में मिलेगा इस वाले लेंस के, ठीक है। ये सेंटर में मिलेगा, ध्यान रखना मेरे से सेंटर में नहीं मिल रहा है वाला। तो ये जो प्लेन होगा ये वाला, इसको मैं नाम दे देती हूँ पी पी डैश। तो ये पी पी डैश जो प्लेन होगा वो किसका काम करेगा, प्रकाशित तल या फिर ऑप्टिकल प्लेन का काम करेगा। जितनी भी डिस्टेंस है वो इस लेंस का क्या, ये सेंटर है एक टाइप से ऑप्टिकल सेंटर, तो यहीं से मेजर की जाएगी। तो देखो ये जो पी एफ लेंथ होगी वो किसका काम करेगी, फोकस का काम करेगी। अब पी एफ जो है वो फोकल लेंथ, फोकस दूरी होगी। अब ये क्यों होगी, तो देखो आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी लेंस में, ये देखो यू कहाँ से आ रहा है, यू जिसपे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, यहाँ पे यू हमें पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है, यू इन्फिनिटी है। जब यू इन्फिनिटी हो तो इमेज हमेशा फोकल लेंथ में मिलती है, और इस पूरे लेंस के लिए हमें जो एंड में इमेज मिली है वो इस एफ पॉइंट में मिली है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फोकस डिस्टेंस होगी, फोकल लेंथ होगी। तो हमें किसी फोकल लेंथ स्मॉल एफ को फाइंड करना है। तो ये रिफ्रैक्शन आपने पढ़ लिया तीन लेयर से कैसा होता है, तो ये वाला चीज तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसको थ्योरी में आपको बिल्कुल ऐसे लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी जो चीज आती है, मैंने यहाँ पे देखो ये मीडियम कैसा लिया, एयर लिया है, तो एयर इसी साइड भी है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जब मैं म्यू टू लूंगी तो म्यू 1 लूंगी, उसकी जगह 1 लूंगी। अब अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा हमने किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस से जब रिफ्रैक्शन कराया तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, म्यू टू माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू 1 ओवर में आर यू और वी, ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये आप उस वाले लेक्चर में देखना, यहाँ पे दोबारा से मैं बताने का रीजन क्या है, देखो एक चीज देखना, हमने उस वाले क्लास में इस तरीके से किया था कि इधर से कोई म्यू वन मीडियम था, इधर म्यू टू मीडियम था। तो जब म्यू वन से म्यू टू में जा रही हो, ब्रेक जैसे भी जा रही हो, इस टाइप से होगी शायद, यू इस टाइप से जा रही है, तो वो नॉर्मल की ओर यू बेंड होकर जा रही है। तो जैसे भी जा रही है वो कैसे जा रही थी, वन से टू वाले मीडियम में जा रही थी। तो मैंने म्यू टू ओवर में वी क्या थी, इमेज की लेंथ, और ओवर में म्यू वन था। तो देखो अगर मैं फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करूं तो वो किस मीडियम में जा रहा है, म्यू टू, म्यू वन से म्यू टू में जा रहा है, मतलब उसके लिए तो फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेस की बात करूँ, ये है क्या, गोलीय अपवर्तन ट्रस्ट है जिसके लिए मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया। तो अगर मैं दूसरे वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखूं तो वो क्या है, म्यू टू मीडियम से म्यू वन में जा रहा है। तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, म्यू वन ओवर में वी माइनस म्यू टू ओवर में यू इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू ओवर में आर। तो फॉर्मूला क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, तो म्यू टू की जगह म्यू वन और म्यू वन की जगह म्यू टू आ जाएगा। बस ये वाली चीज का ध्यान रखना, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेना एक बार अगर आपने नहीं देखा तो। अभी इसका फोकल लेंथ को ड्राइव करते हैं।
तो देखो फोकल लेंथ को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसमें एक चीज है, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये एक टाइप से हाइट ही है ऑब्जेक्ट की, तो इसको मैं ले लूंगी एच वन। अब ये इसी लाइन को स्ट्रेट मिलाया हुआ है, तो ये वाली हाइट भी क्या होगी एच वन। कैसे एच वन होगी, मैंने इसी वाली रे को सीधा करके मिलाया है तो ये हाइट सेम रहेगी, लेकिन अगर मैं ये वाली हाइट देखूँ ये, तो ये हाइट क्या होगी इमेज की हाइट जो कि मैंने कितनी ली है एच टू, ठीक है। इस टाइप से इन हाइट्स को देख लेना, ये हाइट सेम है, इसको एच वन लिख दिए, ये एच टू लिख दी, ये हाइट चेंज थी। तो अब हम करते हैं पहले वाली फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, मैं फर्स्ट के लिए कर रही हूँ, तो मैंने इस टाइप से लिख दिया। देखो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए मुझे पता है फॉर्मूला क्या होगा, अभी अभी मैंने लिखा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मूला, मी टू म्यू टू ओवर में व्यू वी माइनस म्यू वन ओवर में यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर में आर। ये है क्या, बोलिए अपवर्तन पृष्ठ के लिए प्रवर्तक प्रवर्तन सॉरी अपवर्तन जब होता है तो वो ये हमें क्लास में रिजल्ट मिला था उसी को हम यूज करेंगे। तो मैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए कर रही हूँ म्यू टू ओवर में वी। अब पहले वाले के लिए वी देखो कहाँ पे है, वी कहाँ पे है एम ओ, ओ पे इमेज बनी है, तो पहले के लिए वी कितना है एम ओ, ये पहले वाले लेंस के लिए है, क्योंकि पहले वाले लेंस के लिए पहले वाली सॉरी सरफेस के लिए क्या कंसिडर किया था कि अगर सेकेंड वाली रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ना होती तो इमेज हमें ओ पॉइंट में मिलती, तो वी की वैल्यू कहाँ कैसी हो जाएगी, पोल से देखते हैं अपने, ये इसका पोल है तो एम ओ माइनस म्यू वन, म्यू वन मुझे पता है एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वन, तो मैंने म्यू वन की जगह वन लिखा है, यहाँ आप लिख देना म्यू वन क्या है वन, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वन। अब देखो क्या है ओवर में यू होता है, यू देखो क्या है ये कहाँ से आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है, तो इसका मतलब ओवर में इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसको मैं अगर इक्वेट करूँ तो देखो क्या आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन मेरे पास फिर से वन है ओवर में आर, आर देखो क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आर वन, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ म्यू टू ओवर में एमओ, किसके इक्वल है वन ओवर में इन्फिनिटी जीरो, तो मैंने लिखा नहीं म्यू टू माइनस वन ओवर में आर वन, तो यहाँ से मैं एमओ की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो वो देखो कितना आएगा एमओ म्यू टू ओवर में आर वन इंटू म्यू टू माइनस वन, इसको ऊपर दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान रखना जब ये आप टॉपिक कर रहे हो तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक पड़ेगा, तो इसके स्टेप्स को आप इसी तरीके से करने की ट्राई करना कि सारे स्टेप्स आपको याद हो जाए यहीं पे। तो पहले हमने ये वाली चीज कर ली, ठीक है, अभी हम करते हैं सेकंड। अब हमें क्या करना है, इसको एमओ को यहाँ पे वी और ये मत लिखना, क्योंकि हम एंड में वी का क्या लेंगे जो पूरी इमेज की है, और यू हमारे पास इन्फिनिटी है वी एफ पे बनेगी, ठीक है। तो स्टेप आप ध्यान रखना, पहले मैंने फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लगा दिए ये इक्वेशन। अब देखो अगर मैं इस ज्योमेट्री को देखूं तो मुझे इस वाली चीज को मैं एक बार क्लियर कर दूं, इस वाली चीज को मैंने देखो क्या एमओ देखूं मैं इस ज्योमेट्री से, तो मुझे क्या पता चल रहा है एमओ की वैल्यू क्या आएगी, मैंने लेंस की जो थिकनेस है एम एम डैश उसको मैंने टी मान रखा है, लेंस कितना मोटा है इतना यहाँ से सेंटर से मोटाई मैक्सिमम होगी, तो मैंने मोटाई को टी माना है, तो ध्यान रखना एम एम डैश जो है टी है, यहाँ पे मैं शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइट हो जाएगी, यहाँ मैंने शो कर दिया इस टाइप से, ठीक है, ये एम एम डैश की वैल्यू है टी है टी डैश की है, तो देखो एम ओ की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी एम एम डैश प्लस एम डैश ओ हो जाएगी, यानी कि टी प्लस एम डैश ओ, तो यहाँ से मैं अगर एम डैश ओ की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगा एम ओ माइनस टी, यही बनेगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन को यहां लिख रही हूं, मैं क्या लिख सकती हूँ एम डैश ओ ओवर में मैंने एम ओ का डिवाइड लगा दिया, तो यहाँ क्या आया वन, या यहाँ से एम ओ कॉमन ले लिया माइनस टी ओवर में एम ओ, यही बनेगा ये एम ओ है, इसको कोई इक्वेशन दे दो, यहाँ पे एम ओ की वैल्यू भी लिख दो जी एम डैश ओ ओवर में एम ओ इज इक्वल टू वन माइनस टी, एम ओ डिवाइड में है तो एम ओ के यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू टू आर वन इंटू म्यू टू माइनस वन, यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। चीज आप हर स्टेप को ध्यान रखना, मैंने क्या किया है यहाँ से मेरे पास वी डैश, इसको मैं वी डैश या एम ओ क्या ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस के लिए इमेज जहाँ बन रही है उसको मैंने ड्राइव करा तो मेरे पास एमओ की एक वैल्यू आ गई, तो इस ज्योमेट्री से मुझे पता चल रहा है कि एमओ क्या है
एम एम डैश प्लस एम डैश ओ, तो वहां से मुझे पता है एम एम डैश मैंने टी लेट की है, तो वहां से मैंने एम डैश एम ओवर में एम ओ ये फॉर्मूला मैंने एक ड्राइव कर दिया यहाँ से, इस वाले का आगे यूज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व किया। तो ये इक्वेशन टू हो गई। अब देखो मैंने फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए निकाला, अब अगर मैं सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए सिमिलरली करूँ तो नेक्स्ट पे लिख रही हूँ मुझे क्या मिलेगा। देखो मुझे पता है कि सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मीडियम म्यू टू से म्यू वन में जा रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अब हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला में वन की जगह टू कर देंगे और टू की जगह वन कर देंगे। तो मैं म्यू टू से म्यू वन में जा रहा है, तो मैं सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाती हूँ, तो वो कितना हो जाएगा म्यू वन ओवर में वी, वी की जगह मैं क्या लिखूंगी एक सेकेंड दिखाती हूँ, माइनस म्यू टू म्यू वन माइनस म्यू टू ओवर में आर। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आर कितना है आर टू, दूसरे वाली के लिए मैंने आर कितना ले रखे हैं आर टू लिया है, तो मैंने आर टू लिख दिया। इस चीज को मैं ऊपर बना देती हूँ ताकि आपको इस चीज को लिख दिया। तो देखो मुझे चाहिए म्यू टू ओवर में वी, यानी कि पहले वाले के डिवाइड में मुझे वी चाहिए, तो वी देखो क्या है फर्स्ट वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वी कितना है एम डैश एफ, यही है वी, तो मैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वी की जगह तो लिख दूंगी एम डैश एफ। और मुझे पता है कि ये जो पॉइंट ओ पे जो बना था वो इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो मतलब यू की वैल्यू सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो जाएगा एम डैश ओ, तो मैं वो वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा एम डैश एफ एम डैश ओ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि म्यू वन कैसा है वन, म्यू वन कैसा है वन, क्योंकि हमने क्या मीडियम लिया है एयर, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है, तो मैंने वन लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको इस साइड भेज दिया म्यू टू ओवर में एम डैश ओ प्लस म्यू वन की वैल्यू मुझे पता है क्या है वन, वन माइनस म्यू टू ओवर में आर टू, ये चीज हमने यहां तक सॉल्व कर ली। मैंने सिर्फ और सिर्फ वन ओवर में एम डैश एफ को एक साइड लिख दिया, तो यहाँ से मेरे पास ये एक चीज आ गई। इसको कोई इक्वेशन दे दो, थर्ड चल रही है थर्ड दे दो। अब देखो मुझे क्या करना है, स्टेप ध्यान रखना, मैंने अभी तक सिर्फ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लगाया, फिर मैंने ज्योमेट्री से इसकी वैल्यू फाइंड करी, और इस टाइप से रेशियो लिखने का रीजन क्या है, ये मेरे पास आगे बन जाएगी ये वाली चीज, इसलिए फिर मैंने सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले ली। अब मैं क्या करूंगी, मैं अभी एक ट्राइंगल लेती हूँ, अगर मैं देखू यहाँ पे एंगल, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा वन बन रहा है, और ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा टू बन रहा है, तो मैं क्या ले रही हूँ ट्राइंगल ले रही हूँ कौन सा, इतना तो आपको इतनी टाइम से पता चल गया कि इधर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसको एम डैश पॉइंट देती हूँ, तो एम और एम डैश के बीच की डिस्टेंस मैं बहुत कम लेती हूँ, जिसके कारण मैं एम एम डैश को एक ही पॉइंट रिज्यूम कर लेती हूँ, तो मैं वो ड्रॉ यहाँ पे करूंगी नहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो मैं डायरेक्ट ट्राइंगल ले रही हूँ कौन सा बी एम ओ, बी एम ओ वाले ट्राइंगल के लिए कौन सा ले रही हूँ, इस साइड लिख रही हूँ मैं, इस साइड लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया बी एम ओ, एंड ट्राइंगल कौन सा ले रही हूँ मैं एक और, इसको मैं कोई पॉइंट दे रही हूँ, इसको पॉइंट का नाम दे देती हूँ एन, मैंने कहीं नहीं दे रखा तो एन दे दिया, ट्राइंगल एन डैश एम डैश ओ। अब ये दो ट्राइंगल लेने का रीजन क्या था, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा वन ही है, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी एंगल थीटा वन है, और एम डैश ओ वाले ट्राइंगल के भी के लिए एंगल जो है वो थीटा वन है, तो मैं ये दो एंगल एक बार लूंगी, और मैं ये दो ट्राइंगल लूंगी, और दूसरा मैं क्या ले सकती हूँ इस थीटा टू वाले कोण के लिए, ये मैंने अज्यूम किया है कि ये दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, तो थीटा टू वाले के लिए मैं कौन सा, क्योंकि इन दोनों में थीटा वन एंगल सेम बन रहा है, इसीलिए मैंने ये वाले ट्राइंगल तोड़ लिए। दूसरी चीज मैं और क्या लूंगी, ट्राइंगल लूंगी कौन सा पी पी डैश एफ, ट्राइंगल पी पी डैश एफ, एंड थीटा टू एंगल वाला एक और ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा एम डैश एन एफ, ट्राइंगल एम डैश एन एफ, ये वाला एंगल, ये वाले दो ट्राइंगल लेने का रीजन क्या है कि यहाँ पे एंगल थीटा टू बन रहा है। देख लो ध्यान से बी एम ओ और एम डैश एन ओ के लिए ट्राइंगल में एंगल एक ही बन रहा है थीटा वन, तो इन दोनों को मैं ट्राइंगल्स को लेके टेन थीटा वन निकालूंगी, टेन थीटा वन दोनों का इक्वेट कर देंगे। सिमिलरली मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ पी पी डैश एफ
और एम डैश एम एफ, इनके लिए ट्राइंगल थीटा एंगल थीटा टू बन रहा है इस वाले ट्राइंगल में, तो मैं इनके लिए टेन थीटा टू निकालूंगी दोनों के लिए और उनको इक्वेट कर दूंगी। तो मैं ये ट्राइंगल ले लूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ट्राइंगल कौन सा था बी एम ओ एंड ट्राइंगल कौन सा था वो एम एन डैश एम डैश एन डैश एम डैश एन डैश ओ। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन थीटा वन, दोनों में टेन थीटा वन बनेगा, तो मैंने एक ही बार लिख दिया टेन थीटा वन ही बनेगा देखो क्योंकि एंगल ही एक है। तो मैं पहले वाले इस वाले ट्राइंगल के लिए ले रही हूँ बी एम ओ के लिए, तो मुझे पता है अगर टेन का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, यहाँ पे मैं ट्राइंगल ही बना देती हूँ, इस टाइप से कुछ बन रहा है यूं। ये मेरे पास है थीटा वन एंगल, इसको मैंने हाइट एच टू लिया है, इसको मैंने हाइट एच वन लिया है, बी एम एम डैश एन डैश ओ इस टाइप से बन रहा है, ये एम डैश लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा बहुत बनाया क्योंकि स्पेस कम है। तो यहाँ से देखो मैं टेन थीटा वन लगाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच वन ओवर में एम ओ, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ। सिमिलरली मैं छोटे वाले ट्राइंगल को लूँ तो वो क्या आ जाएगा, एच टू ओवर में एम डैश ओ, यही होता है परपेंडिकुलर ओवर में बेस लंब बटा आधार। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किसके इक्वल आया, एच वन ओवर में एम ओ, और फिर दूसरे वाले के लिए लगाऊँ तो एच टू ओवर में एम डैश ओ के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एच टू बाई एच वन की वैल्यू मेरे पास एक चीज आ चुकी है, वो क्या, एम डैश ओ ओवर में एम ओ, ठीक है। ये देखो एम डैश ओवर में एम ओ फाइंड करने का रीजन क्या था, यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है, तो इसको मैं इक्वेशन दे देती हूँ, इक्वेशन नंबर फोर। स्टेप सिंपल है लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ने के कारण थोड़ा टिपिकल लग सकता है, तो मैं दूसरा लेती हूँ। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में मेरे पास क्या, इस चीज को मैं एक बार क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे दूसरा बनाएंगे अभी। तो देखो दूसरा ट्राइंगल भी ऐसा ही बन रहा है मेरे पास, एच वन हाइट, ये मेरे पास है एच टू हाइट, ये एंगल मेरे पास क्या है थीटा टू, एन डैश एम डैश एफ, यहाँ पे क्या पी और पी डैश, ये ट्राइंगल लिया था तो मैंने वहां पर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे लगाऊ तो मेरे पास क्या बनेगा, टेन थीटा टू, टेन थीटा टू क्या आएगा बड़े वाले के लिए एच वन ओवर में पी एफ, छोटे वाले के लिए क्या बन जाएगा एच टू ओवर में एम डैश एफ, तो वो मैं पुट कर देती हूँ बाय ट्राइंगल पी पी डैश एफ एंड ट्राइंगल कौन सा बन रहा है एन डैश एम एफ एन डैश एम डैश एफ डैश। तो मैं टेन थीटा टू दो बार लिखने की बजाय एक बार लिख रही हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, एच वन ओवर में पी एफ, एच वन ओवर में पी एफ किसके इक्वल आया, एच टू ओवर में यहाँ पे क्या बन रहा है एम डैश एफ, तो एम डैश एफ। यहाँ से फिर से मैं क्या कर सकती हूँ, देखो एच टू बाई एच वन बन रहा है तो इधर भी मैं एच टू बाई एच वन ले आती हूँ, तो एच टू बाई एच वन की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एम डैश एफ ओवर में पी एफ, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो फिफ्थ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वेशन फाइव और फोर को क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो देखो कंपेयर करने पे मेरे पास क्या बन जाएगा, अब देखो ये एम डैश एफ डैश मेरे पास एक टर्म बनी है, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, इधर ही है ये वन ओवर में है, तो इस टर्म में मैं इसी टाइप में मैं बनाऊंगी, तो इन दोनों को इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, एम डैश ओ ओवर में एम ओ किसके इक्वल आएगा, एम डैश एफ डैश ओवर में पी एफ के इसी के इक्वल आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है, तो मुझे पता है मुझे निकालना क्या है, कॉपी का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिक लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है क्या पी एफ, यही फोकल लेंथ है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ पी एफ बन रहा है, तो मैं वन ओवर में पी एफ को एक साइड ही बड़ा रहने देती हूँ। और मैंने वन ओवर में क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है वन ओवर में एम डैश एफ की वैल्यू पड़ी है, रिवर्स करोगे तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं वन ओवर एफ ही बड़ा रहने देती हूँ, है तो ये पी एफ क्या फोकल लेंथ है, मुझे यही फाइंड करना है, तो मैं वन ओवर एफ निकाल दूंगी, तो पी एफ की ये एफ है, पी एफ की वैल्यू देखो क्या आएगी मेरे पास, एम डैश ओ ओवर में एम ओ इंटू ये वन ओवर में एम डैश एफ, ये टर्म आ जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ,
इसको इक्वेशन नंबर मतलब या बाय इक्वेशन थर्ड लिख लेंगे, पहले मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे स्पेस नहीं। मेरे पास जो लास्ट इक्वेशन बनी थी वो ये थी, एम डैश ओ ओवर में एम ओ इंटू वन ओवर में एम डैश एफ, ये मेरे पास लास्ट इक्वेशन थी। अब मेरे पास क्या बाय इक्वेशन थर्ड वन ओवर में एम एफ एम डैश एफ की वैल्यू पड़ी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, लिख देती हूँ बाय इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से वन ओवर में पी एफ की जगह मैं लिख देती हूँ एफ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे लिख देना पी एफ क्या है, स्मॉल एफ फोकस दूरी है, तो मैंने वन ओवर स्मॉल एफ लिख दी, तो वो क्या है एम डैश ओ ओवर में एम ओ। अब ये मैंने एम डैश ओ ओवर में एम ओ की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, उसका रीजन देखो क्या है, मेरे पास इस वाले टर्म में जब मैं वन ओवर एफ की वैल्यू लिखूंगी तो मेरे पास एक एम डैश ओ पड़ा है, तो अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे एम डैश ओ से यहाँ से कट नहीं होएगा ये वाले एम डैश ओ से, तो इसीलिए मैंने इस वाले रेशो की वैल्यू लिखी नहीं है जो कि मैंने फाइंड की हुई है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ बाय इक्वेशन थर्ड से म्यू टू ओवर में एम डैश ओ माइनस वन माइनस म्यू टू ओवर में आर, यही बन रहा था, एक सेकेंड चेक कर लूंगी, मेरे हिसाब से तो यही है म्यू टू ओवर में एम डैश ओ, आर टू है ये। ये आर टू है, यहाँ से गलती से टू रह गया था लिखना, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया बाय इक्वेशन थर्ड, मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है, तो मैं वन ओवर में एफ निकालू तो वो क्या मेरे पास आ जाएगा, देखो मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो जैसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो एक एम डैश ओ से एम डैश ओ कैंसिल हो गया, तो म्यू टू ओवर में एम ओ माइनस यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, एम डैश ओ ओवर में एम ओ इंटू वन माइनस म्यू टू ओवर में आर, तो जितना मैं काट सकती थी मैंने काट दिया। मुझे चाहिए क्या, इसी फोकल लेंथ को फाइंड करना है, तो मेरे पास देखा जाए तो फोकल लेंथ आ चुकी है, अब मेरे पास बस इनकी वैल्यू पुट करनी है जिनकी मेरे पास है, ये आर टू है, आर टू रह गया था, तो अब मेरे पास देखो क्या वैल्यूज पड़ी है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट देखूं तो मेरे पास एम ओ भी पड़ा है, और इक्वेशन सेकंड देखूं तो एम डैश ओ ओवर में एम ओ पड़ा है, जो कि मेरे पास फोकल लेंथ के फॉर्मूला में लास्ट में ड्राइव हुआ, तो इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, पहले मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी एम ओ की वैल्यू क्या है, एम ओ की वैल्यू थी म्यू टू आर वन ओवर में म्यू टू माइनस वन, मेरे हिसाब से यही है, ठीक है, और ये वाली क्या है वन माइनस टी ओवर में एम ओ था, एम ओ की वैल्यू पुट कर देंगे एम डैश ओ ओवर में एम ओ, एम ओ डिवाइड में था तो म्यू टू आर वन म्यू टू माइनस वन, मैंने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे नोट कर दिया, क्यों नोट किया, क्योंकि एम ओ की मुझे वैल्यू चाहिए और एम डैश ओ ओवर में एम ओ की भी मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, तो बार बार वहाँ पे मुझे देखना ना पड़े इसलिए मैंने यही लिख दिया, तो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, यहाँ लिख देना बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को जब मैं यूज करूंगी तो वन ओवर में एफ क्या आ जाएगा म्यू टू ओवर में एम ओ की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ जो कि मेरे पास क्या है म्यू टू आर वन, ये वाला ऊपर चला जाएगा इंटू म्यू टू माइनस वन माइनस एम डैश एम ओवर में एम ओ की वैल्यू मैं पुट करती हूँ वन माइनस टी ओवर में म्यू टू माइनस वन म्यू टू आर वन इंटू क्या वन माइनस म्यू टू और क्या आर टू, बस ये इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये पूरे मल्टीप्लाई में था तो मैंने ये लिख दिया, मैंने बस एम डैश ओ ओवर में एम ओ की वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो देखो यहाँ से अभी क्या बन जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है पहले उसको कैंसिल कर देते हैं, तो देखो यहाँ से इस म्यू टू से म्यू टू कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज मैं बन लिया कर रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा वन ओवर में एफ इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस वन ओवर में आर वन, अब इधर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक सेकेंड यहाँ पे देखो जब मैंने वन ओवर में मल्टीप्लाई करने में मुझे लग रहा है थोड़ी सी गलती हुई है, वो
देखो यहाँ पे देखो, चेक करते हैं, 1 ओवर में m डैश f डैश की वैल्यू सही पुट किया ना मैंने, 1 ओवर में m डैश f डैश म्यू टू ओवर में m डैश ओ प्लस 1 माइनस म्यू टू ओवर में r टू म्यू टू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है, मुझे जब सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कोई माइनस प्लस साइन की गलती है, वो क्या है देखो, मैंने यहाँ पे म्यू 1 ओवर में m डैश की वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे प्लस का बड़ा ही है, जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, माइनस लिख दिया था, तो इस चीज को प्लस कर देते हैं, प्लस कर दिया मैंने। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे यहाँ पे माइनस, इस साइड मैंने माइनस लिखा तो मैं माइनस करने के लिए क्या कर सकती हूँ, म्यू टू माइनस वन कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस वन कॉमन लूंगी तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा, देखो अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये म्यू टू माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास देखूं तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, म्यू टू माइनस वन बन रहा है, तो मैं वही पुट कर दूंगी। यहाँ पे क्या हो गया था, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने जब वन इसकी वैल्यू पुट की थी तो फॉर्मूला में वहां पे प्लस में आ रहा था, मैंने माइनस में लिख दिया था, जिसके कारण मुझे लगा था कि एंड रिजल्ट में कुछ गलती हुई है, तो वो मैंने पुट कर दिया। ये वाली इक्वेशन में आई थिंक आर वन है, तो मैंने इसको म्यू टू माइनस वन क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी म्यू टू माइनस वन है, इधर भी म्यू टू माइनस वन है, तो इधर वाले को म्यू टू माइनस वन करने के लिए मैंने यहीं पे नेगेटिव कॉमन ले दिया। तो देखो 1 ओवर में एफ क्या हो गया, अब मेरे पास मल्टीप्लाई करना है बस, अभी सिंपल माइनस इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन के साथ ये मल्टीप्लाई करा तो म्यू टू माइनस वन ओवर में आर टू, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा, म्यू टू माइनस वन का स्क्वेयर हो जाएगा, एक म्यू टू माइनस वन पड़ा है, एक और पड़ा है, इंटू टी मेरे पास पड़ा था, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, म्यू टू आर वन आर टू। तो यहाँ से मेरे पास कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रही है, म्यू टू माइनस वन, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 1 ओवर में आर वन माइनस 1 ओवर में आर टू प्लस म्यू टू माइनस वन ओवर में म्यू टू आर वन आर टू इंटू टी। जो चीजें कॉमन आ रही थी वो मैंने सब कॉमन ली थी, और जो बच गई वो मैंने लिख दिया। तो ये जो है फॉर्मूला एंड में, ये क्या मोटे लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला है। अगर पतला लेंस हो, अगर मैं इफ टी इज इक्वल टू जीरो कर दूं, पतले लेंस के लिए मैं उसकी टी इस टाइप का लेंस हो, उसकी ये मोटाई को मैं नेग्लिजिबल मान सकती हूँ टी को, तो उस केस में टी मैं जीरो करूं, तो पतले लेंस के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा म्यू टू माइनस वन, टी की जगह जीरो पुट करेंगे, 1 ओवर में आर वन माइनस 1 ओवर में आर टू, तो ये पतले लेंस के लिए हो जाएगा। ये वाला हमारे पतले लेंस का भी टॉपिक है, तो इस वाले को भी करेंगे। तो ये था हमारा आज वाला टॉपिक, थिक लेंस और उसके लिए फोकल लेंथ को फाइंड करना। इसमें हर स्टेप को आप ध्यान रखना, बस सिंपल आपको स्टेप वाइज सब कुछ रिमाइंड है कि क्या करना है, तो फिर ये टॉपिक ईजी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।